नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम MPPSC से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी देख लेते हैं। दोस्तों, मैं अपने मेन टॉपिक से पहले आप सभी लोगों को डॉक्टर कलाम साहब के कुछ शब्दों को बताना चाहता हूँ। उन्होंने कितनी अच्छी बात कही। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में एक मंजिल चुनिए, उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दीजिए और तब तक मत रुकिए जब तक कि आपको अपनी मंजिल नहीं मिल जाती। तो चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। आज मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसका नोटिफिकेशन नवंबर दिसंबर में आ जाता है। ये तीन चरणों में होती है। पहला चरण रहता है प्रीलिम्स, ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है। सेकंड चरण है जो अपना ये मेंस का है, डिस्क्रिप्टिव या लिखित। और तीसरा चरण है जो है इंटरव्यू। तो आइए अब हम फर्स्ट चरण को देखते हैं। प्रारंभिक परीक्षा ये फरवरी मार्च में हो जाती है। इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट सामान्य अध्ययन, पेपर सेकंड सामान्य अभिरुचि परीक्षा। पेपर फर्स्ट 200 नंबर का रहता है और इसके लिए टाइम रहता है 2 घंटे। सामान्य अभिरुचि और परीक्षण पेपर सेकंड भी 200 नंबर का रहता है, इसके लिए टाइम 2 घंटे रहता है। पेपर जो सेकंड है दोस्तों, ये क्वालिफाई रहता है। इसमें मतलब 33% नंबर आपको चाहिए होते हैं पास होने के लिए। और पेपर फर्स्ट है जो, इसके आधार पे हमारी मेरिट लिस्ट बनती है और इसी के आधार पे हम मेंस में बैठ पाते हैं। और दोस्तों, इसके एग्जाम सेंटर प्रारंभिक परीक्षा के मध्य प्रदेश के हर जिले में रहते हैं। अब आते हैं हम सेकंड चरण पे, लिखित परीक्षा। ये जुलाई अगस्त के लगभग हो जाती है। ये पूर्णांक रहता है 1400 नंबर का। इसमें 6 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट रहता है जो हमारा सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर, ये 300 नंबर का रहता है और टाइम इसके लिए 3 घंटे रहता है। दूसरा पेपर होता है सामान्य अध्ययन सेकंड, ये भी 300 नंबर का रहता है और समय इसके लिए 3 घंटे रहता है। पेपर थ्री सामान्य अध्ययन थर्ड, ये भी 300 नंबर का रहता है और समय इसके लिए भी 3 घंटे रहते हैं। चौथा पेपर होता है सामान्य अध्ययन फोर्थ, ये 200 नंबर का रहता है और टाइम रहता है इसके लिए 3 घंटे। पांचवा पेपर रहता है हमारा सामान्य हिंदी, ये 200 नंबर का रहता है, इसके लिए समय रहता है 3 घंटे। और छठवा पेपर है जो, ये निबंध लेखन का रहता है, ये 100 नंबर का रहता है, इसके लिए समय रहता है 2 घंटे। मेंस में 2018 में 13 सेंटर दिए गए थे दोस्तों, ये थे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में। चलिए अब देखते हैं थर्ड चरण। अब है इंटरव्यू हमारा, ये अक्टूबर नवंबर में हो जाता है दोस्तों, वह इंदौर में होता है दोस्तों। 175 अंक का रहता है। जो लोग मेंस में पास हो जाते हैं वो इंटरव्यू में बैठते हैं दोस्तों, और मेंस प्लस इंटरव्यू ये कुल 1575 अंक के होते हैं। और इसी के आधार पर दोस्तों हम MPPSC में सिलेक्ट होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले कोई भी काम क्यों नहीं करते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। और उसके लिए आपको फर्स्ट सिलेबस उसका, और सेकंड
पुराने पेपर, मतलब जो हो चुके हैं पेपर, ये दो आपके पास होना चाहिए, जरूरी है, बहुत ही जरूरी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप सिलेबस किसी भी साइट से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं, और अगर कोई समस्या सिलेबस में आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए आज का ये लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं।